बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, साउथ अफ्रीका का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जी तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की वीज़ा फ़ीस की। साउथ अफ्रीका की वीज़ा फ़ीस तकरीबन 3500 रुपया है पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करें, और पाकिस्तान से अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दो अदद आपकी तस्वीर होनी चाहिए जो कि फ्रेश हो बिल्कुल, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, होटल आपने रिजर्व करना है, पैसे अदा नहीं करने, सिर्फ आपने रिजर्व करना है, और साउथ अफ्रीका के वीजे के लिए FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप क्या काम करते हैं पाकिस्तान में, आप जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, ये सब कुछ आपने उनको बताना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वीजा आप जो है ना वो फेडेक्स के जरिए अप्लाई करेंगे साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान से। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आई थिंक ज्यादातर जो साउथ अफ्रीका के वीजे हैं वो जेरी ही देखता है, लेकिन अगर आप जेरी के जरिए वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 11 से 12 हज़ार रुपए अदा करने पड़ेंगे। जेरी वालों को भी फीस अदा करनी पड़ेगी। जेरी वालों की फीस होगी 12 हज़ार रुपया और 3500-4 हज़ार रुपया जो साउथ अफ्रीका की वीज़ा फ़ीस है। कुल मिलाकर तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपया आपका साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए लग जाएगा। जी तो ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, इन रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। फिलहाल आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते वायरस की वजह से, आफ्टर लॉकडाउन आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बेसीज ओपन नहीं हुई, वीज़ों का प्रोसीजर है वो शुरू नहीं कर रही, उसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड है। साउथ अफ्रीका ने भी अभी अपनी कोई भी वीज़ा सर्विसेज शुरू नहीं की, जेरी फेडेक्स ने भी साउथ अफ्रीका की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो शुरू नहीं की। फ़िलहाल आप सिर्फ अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको मुकम्मल कीजिए, जब भी ओपन होगी जेरी फेडेक्स और एम्बेसीज वीज़ों का काम शुरू होगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो साउथ अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम रिक्वायरमेंट आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और कंट्री के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।